देखे, आज हमने पहाड़ी आलू का थिचुआ बनाया है, पहाड़ी आलू बड़ी का थिचुआ। और किस तरीके से बनाया है, कैसे हमने इसको बनाया है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने टमाटर ले लिए, 3 टमाटर हैं और 3 दाने हमने आलू के लिए हैं। ये साथ में हमने बड़ी ले ली, ये बड़ी को हमने भिगोने डाला है। इसको 5 मिनट हम भिगो लेंगे, हल्का गुनगुने पानी में इसको भिगो रखा है। आलू को हमने साफ करके धो करके और ये फेंच लिया है इस तरीके से। देखिए हमने इस तरीके से धोया है, इसका छिलका भी हमने हटाया नहीं है, छिलके से ही फेंचा है ये। ये हमने मसाला बना लिया, इसमें हमने हरी मिर्ची और हरी की जो लाल पकी हुई होती है वो वाली मिर्ची पीसी है, और लहसुन पीसा है, जीरा पीसा है। साथ में हमने आलू को अच्छे से कुटकुटा लिया है, कूट लिया है ये, देखिए थेज लिया है। तो बड़ियों को हम धो लेंगे साफ करके। अब सबसे पहले बड़ी को धो लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रही तब तक प्याज काट लेंगे सब्जी के लिए, दो काम एक साथ हो जाएंगे। इधर हम प्याज काट लेंगे, तब तक इधर हमारी बड़ी फ्राई हो रही है। देखिए कितना बढ़िया कलर इसमें आ चुका है, बड़ी में बढ़िया कलर इसमें आ गया। देखिए लग रही है बड़ी सोयाबीन की बड़ी है ये, देखिए बड़ी का कलर हमारा चेंज हो गया। अब इसको मिला देंगे, ये देखिए ये पट्टी पट्टी सी हो गई ना ये। सबसे पहले इसमें अब उसी तेल में हम जीरा डाल देंगे और मसाला
चार मिर्ची ले रखी है, भिंडी हम डाल देंगे, साबुत मिर्ची इसमें हम डाल देंगे। देखिए तेल ऊपर आ गया, मसाला हमारा भून चुका है। और इसमें हमने जो हमने आलू को फेंट के रखा हुआ है इसको डाल देंगे। ये हैंड टू हैंड बनाना पड़ता है, आलू फेंच के रखे नहीं जाते हैं इसमें। आलू फेंच के अगर रख देंगे तो ये आलू जो है जल्दी काला पड़ जाता है। अब इसमें हमने टमाटर की जो प्यूरी बना रखी है, तीन टमाटर छोटे टमाटर की हमने प्यूरी बना रखी है, अब इसको डाल देंगे इसमें। इसमें हम और भी ढक्कन लगा देंगे दो तीन मिनट के लिए। ढक्कन लगा के इसको हम पकने देंगे, जब हमारे तब टमाटर भी हमारा अच्छे तरह पक जाएगा और उसके बाद दिखाते हैं। इसका ढक्कन फिर चेक कर देंगे इसको। अब इसमें जो हमने बड़ी फ्राई करके रखी है इसको डाल देंगे। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे ऐसे हमने लटपटी सब्जी बना दी इसकी, ऐसे भी इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले का बर्तन है, उसमें हमने पानी डाला हुआ है, मसाला खत्म भी हम इसी में डालेंगे। साथ में हम इसमें पानी डालेंगे। एक लोटा हमने पानी इसमें पूरा डाल दिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट इसमें ढक्कन लगा देंगे और उसके बाद फिर चेक करते हैं। 5 मिनट तक इसको हम पकने देंगे अब, और पूरा इसमें हम इसको पकाएंगे, क्योंकि मसाला हमारा भुना ही है, बड़ी हमारी पकी है, थोड़े से आलू को पीना है, पकाना है, आलू भी खींचा हुआ है, फिर बारीक करके जो कि जल्दी पक जाएगा। अब सब्जी को हम चेक कर लेंगे, ढक्कन हटाएंगे आराम से। ये देखिए सब्जी को हम थोड़ा पतला ही रखेंगे, हमने इस चावल के लिए बनाया है ये। ये देखिए देखने में ही मन कर रहा कि खा लें। अब इसमें सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा लास्ट में। सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई। अब हम गैस को कर देंगे बंद, अब करेंगे प्लेटिंग, अब करेंगे थाली लगा लेंगे। इसमें डाल देंगे सब्जी, ये हमारी प्लेट तैयार हो गई। देखिए
देखिए हमारा खाना बनके तैयार है। कितना लजीज खाना बना हुआ है, साथ में बढ़िया सा आम का अचार और प्याज रखा है। और इसी तरह से आप भी बनाइए। अब वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले से किया है तो दया दीजिए, धन्यवाद करती हूँ आपका। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं खा के दिखाती हूँ आपको। चाकू एकदम गला हुआ है। आप भी खाइए, इसी तरीके से आप भी बनाइए।